आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई और लखनऊ एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। इस दौरान मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की पूरी टीम मात्र 101 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक वक्त पर 69 रनों पर 2 विकेट लखनऊ का स्कोर था, लेकिन अंत में उन्होंने मात्र 32 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 101 रनों पर ऑल आउट हो गई। आपको बताते चले कि लखनऊ ने भी अपने पावर प्ले में शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाए, लेकिन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टॉइनिस ने इस मुकाबले में लखनऊ के लिए एक मजबूत स्थिति भी खड़ी कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद इस मुकाबले को गंवा दे, क्योंकि मार्कस स्टॉइनिस खेल भी पूरे उसी तरह से रहे थे। लेकिन फिर इस मुकाबले के 13वें ओवर में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी भी लखनऊ फैन को नहीं थी। दरअसल में बैटिंग करने उतरे दीपक हुड्डा, उनसे एक इतनी बड़ी भूल हो गई कि उनकी वजह से मार्कस स्टॉइनिस को अपना विकेट गंवाना पड़ गया। दरअसल में मार्कस स्टॉइनिस ने 2 रनों के लिए भागना शुरू किया। शॉट खेलने के बाद उन्होंने पहला रन तेजी से लिया, लेकिन दूसरा रन जैसे ही लेने के लिए मार्कस स्टॉइनिस दौड़े तो उस दौरान दीपक हुड्डा की नज़र अपने साथी खिलाड़ी मार्कस स्टॉइनिस से हट गई। वो कहीं और देखने लगे और इस दौरान मार्कस स्टॉइनिस पूरी तरह से दीपक हुड्डा से टकरा गए। इतना ही नहीं, मार्कस स्टॉइनिस वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके, मानो वो दीपक हुड्डा से कह रहे हो कि भाई जरा देख कर चलो। लेकिन इस दौरान उन्हें ये याद आया कि वो तो क्रीज में पहुंचे नहीं और बीच में है, और इसी उलझन में मार्कस स्टॉइनिस रन आउट हो गए और ये इस पूरे मैच का गेम चेंजिंग मोमेंट नजर आया। जी हाँ, मार्कस स्टॉइनिस के रन आउट होने के साथ ही पूरी लखनऊ की टीम मात्र 12 रनों पर अपने 5 विकेट गंवाते हुए इस मुकाबले में धराशायी हो गई। मार्कस स्टॉइनिस जिन्होंने 40 रन बनाए, शायद वो इस मुकाबले में लखनऊ को सम्मानजनक स्कोर तक लेकर जा सकते थे, लखनऊ की थोड़ी और इज्जत बचा सकते थे, लेकिन अंत में उनका विकेट बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरा और इस मुकाबले के साथ ही लखनऊ को और मार्कस स्टॉइनिस को आईपीएल से बाहर जाना पड़ा। अगर आपको भी लगता है कि मार्कस स्टॉइनिस का विकेट था इस मैच का असली गेम चेंजिंग मोमेंट, तो हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।